गाजियाबाद जनपद के लोनी बॉर्डर इलाके में हुई एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट व हाथापाई करने के साथ ही दाढ़ी काटने की घटना से संबंधित वीडियो वायरल होने के साथ ही चारों ओर से इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग ने एक समिति पीड़ित के घर भेजी थी। इसके बाद आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने डक पॉइंट से लवकर बाबा सैयद गेट तक के प्रोटेस्ट मार्च निकालते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर को सौंपा गया। छात्रों ने कहा कि इस प्रकार से हो रही घटनाओं के विरोध में लगातार आवाज उठाते रहेंगे, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से। एएमयू छात्र ने कहा कि सोशल मीडिया पर अब्दुल समद नाम के बुजुर्ग व्यक्ति की एक वीडियो वायरल हो रही है। उस वीडियो में जिस प्रकार से उनको मारा पीटा जा रहा है और उनकी दाढ़ी काटी जा रही है, हम उस कृत्य की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। इस प्रकार की घटनाएं किसी भी समाज के साथ नहीं होनी चाहिए। ये देश में मुसलमानों के साथ बहुत आम हो गया है। भीड़ आती है, कुछ लोग आते हैं, मुसलमानों को मारपीट कर चले जाते हैं। कभी जय श्री राम का नारा लगवाने के पीछे, तो कभी गौ हत्या के नाम पर भीड़ ट्रेन में चलते हुए लोगों को, तो कभी पेड़ से बांधकर लोगों को ये भीड़ मार देती है। देश का मुसलमान डर कर रह रखा है। हर सुबह आंख खुलती है, एक नया मॉब लिंचिंग का केस सामने होता है। एएमयू प्रॉक्टर ने बताया कि छात्रों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया है। इस पत्र में स्टूडेंट्स ने गाजियाबाद में सूफी अब्दुल समद के साथ जो मारपीट की घटना हुई है, उसके संबंध में स्टूडेंट्स ने राष्ट्रपति से ये मांग की है कि इस शर्मनाक घटना की जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिला अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट। आज किस वाक्य को लेकर आप यहाँ प्रोटेस्ट किया है? देखिए, हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। जैसे आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जो अब्दुल समद नाम के एक बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र कम से कम 70-72 साल की होगी, उनको जिस तरीके से उस वीडियो में मारा जा रहा है और उनकी दाढ़ी काटी जा रही है, सबसे पहले हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसे इंसिडेंट किसी भी कम्युनिटी के साथ नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात, ये मुसलमानों के साथ तो बिल्कुल आम हो गया है कि कभी भी किसी भी बात को लेकर मुसलमानों को मार दिया जाता है। एक भीड़ आती है, वो ये नहीं पता चलता उस भीड़ का चेहरा कौन है। वो भीड़ आती है कभी जय श्री राम के नारा लगवाने के पीछे, कभी गो हत्या के नाम पर, कभी ट्रेन में चलते हुए हाफिज जुनैद को, तब कभी पेड़ से बांध कर तबरेज को वो मार देती है। ये अभी फरहान जुबैरी और उनके करीब 30-40 साथी हैं, उन्होंने एक मेमोरेंडम हमको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से एड्रेस है इसको दिया है। इसमें उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी हैं जो कल गाजियाबाद में सूफी अब्दुल समद के साथ जो वायलेंस हुआ है उसके सिलसिले में दिया। उन्होंने इस बात के लिए पुरजोर अपील की है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि जो घटना घटी है बहुत ही शर्मनाक घटना है और इसके खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। देखिए, आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जो एक वाकया लोनी में हुआ है जिसमें एक बुजुर्ग की दाढ़ी काट दी जाती है, जो कि संविधान के हिसाब से, हमारा संविधान हमें क्या कहता है कि हम आइडेंटिटी के, अपने आइडेंटिटी के हमें दाढ़ी रख सकते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग को बाकायदा टॉर्चर किया जाता है, उनकी दाढ़ी काटी जाती है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पिछले कुछ टाइम से एक प्रोपोगेंडा चल रहा है हमारे यहाँ पर, कि खासकर यूपी में, कि एक तरफ से मतलब मॉब लिंचिंग की भरमार सी हो गई है। सुबह उठो तो सबसे पहले जो न्यूज़ मिलती है वो मॉब लिंचिंग की मिलती है, और ये एक आइडेंटिटी बेस पे किया जा रहा है माइनॉरिटीज के साथ। अब हम लोग चाहते हैं कि जो भी कल्प्रिट्स हैं उनका जल्द से जल्द उन्हें सजा हो और जितना पॉसिबल हो हैंग। और सरकार में क्या माइनॉरिटीज सिक्योर नहीं है? नहीं, आप खुद बताइए। डेली जब मैं बता रहा हूँ कि मैंने बताया भी था, मैं आपको इस समय बताऊँ, बिटवीन 2010 एंड मिड 2017 जो केस हुए हैं 28 हुए हैं, जिसमें 24 मुस्लिम्स थे मॉब लिंचिंग के, तो आप कैसे कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज सेव हैं? और जैसा एक्ट आया है SC ST एक्ट है माइनॉरिटीज़ के लिए, वैसे मुसलमानों के लिए भी आना चाहिए। इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।